हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों आर्क बनाना सीखेंगे कि आर्क को हम कैसे बनाते हैं। आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे होम टैब के अंदर। आर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन हमारे यहां पर दिखाई देंगे। थ्री पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ओनली स्टार्ट एंड और रेडियस पे करेंगे, क्योंकि स्टार्ट एंड और रेडियस सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी हमें एंगल बनाना है, आर्क बनाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 100% एक्यूरेसी के साथ बनता है। और एग्जांपल जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सब आर्क बना हुआ है। इधर ये आर्क सब कुछ आर्क है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक आर्क बनाना है। तो इस आर्क को बनाने के लिए ड्रॉइंग के अंदर दिया रहता है कि उसका रेडियस कितना है। तो मैंने इसको यहाँ से इधर मूव किया हुआ है, ऐसा आर्क बनेगा। 77.500 मीटर रेडियस का आर्क बनाना है इधर। और इधर ये ग्रीन लाइन का जो पॉइंट है, इधर स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट ऐसे है, इसका कितना रेडियस पे 156.500 पे हमको बनाना है। यही आर्क बनेगा और यहाँ पर आएगा। कैसे बनेगा वो हम आपको बनाकर दिखाएंगे। ये लाइन यहाँ पर ख़त्म है और फिर यहाँ इसका एक पॉइंट और है। अब हम इस ये भी आर्क पे बिल्कुल सीधी नहीं है, ये आर्क पे लाइन है। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आर्क पे हम कैसे बनाएंगे वो अभी देखते हैं। इसके बाद तीन चीज़ ये हो गई, चौथी चीज़ ये इधर आती है, ये लूप। ये चार लूप है, इसके सब कुछ आर्क बना हुआ है। और ये हमारे चार रैंप है। वैसे तो सिविल 3D में बहुत अच्छा काम होता है इसमें। सिविल 3D में सब चीज़ों का झंझट नहीं है, लेकिन ऑटो कैड के लिए मैं बता रहा हूँ आर्क किस तरह बनाते हैं। अभी मैंने यहाँ से यहाँ इसको मो किया हुआ है। 147.500 मीटर रेडियस का आर्क इधर बनना है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चलिए किस तरह बनता है इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन जब खुलते हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट एंड और रेडियस ही लेंगे। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं अभी हमारी कमांड स्टार्ट हो जाती है। अभी बोलता है आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। अब हम इसके स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। वन क्लिक इधर किया, अब ये इसी के साथ साथ सेकंड कमांड पकड़ता है आर्क स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। यानी अब इसके एंड पॉइंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अभी पूछेगा कि आर्क का रेडियस क्या है। अब रेडियस हमारे पास है जो कि क्लाइंट के द्वारा ड्रॉइंग में दिया होता है, वहाँ से इसको लेंगे। कितना रेडियस? 147.500। एंटर मारेंगे, सेम टू सेम बिल्कुल यही बन जाएगा। और इसके बाद ये ग्रीन में हमारा चल रहा है, ये इसकी लेयर CTEOP, सेम यही कलर इसी लेयर में करने के लिए इसको हम मैच करेंगे। सेलेक्ट करके मैच प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो हमने बनाया है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करके ये CTEOP सेम वही लेयर आ गई और वही कलर मैच कर गया। इस तरह हम इसका आर्क लूप का आर्क कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम अपने रैम का बनाते हैं कि इस रैम का आर्क किस तरह बनाएंगे। इसका रेडियस 77.500 है, इसके अंदर जाके क्लिक करेंगे। एक बार अगर क्लिक करते हैं तो बाहर ही आ जाता है, बाहर भी क्लिक कर सकते हैं ऊपर। अदरवाइज अगर ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो इसके अंदर जाएंगे, स्टार्ट एंड और रेडियस के ऊपर क्लिक करना है। तो स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक किया, फिर एंड पॉइंट क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये रेडियस मांगता है, ये रेडियस मांग रहा है कितना रेडियस देना है। जो ड्राइंग में है वो देते हैं, 77.500 देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब देखो सेम एज इट इज़ यही बन जाता है। अब इसको भी हम ऐसे ही मैच कर देंगे CTEOP मैच करते हैं। ये वाइट जो हमने लाइन बनाई है सेम उसी लेयर में आ जाएगी। अब ये इस लेयर में बन गया। अब हमको इधर का आर्क बनाना है। दोस्तों माजरा चाहता हूँ, इधर साउंड ज़्यादा है, रोड चलता है बाहर में, तो थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा। अब इधर आने के बाद आर्क के ऊपर फिर क्लिक करेंगे और स्टार्ट एंड रेडियस। बार बार अंदर जाके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, जो न्यू है नहीं जानते उनको प्रैक्टिस हो जाए कि इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। ज़्यादा कन्फ्यूज मत होने चाहिए। स्टार्ट एंड और रेडियस के ऊपर क्लिक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इधर क्लिक किया, एंड पॉइंट इधर क्लिक किया, और इसके बाद रेडियस हमारा कितना है 156.500 एंटर करते हैं।
तो ये रेडियस हमारा यहाँ से बन जाता है। इसका भी वही प्रोसीजर है, सेम लेयर है, इसको मैच करते हैं, मैच प्रॉपर्टीज़, और इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये भी हमारा रेडी हो गया। इसके बाद ये हमारी आउटर लाइन जो जा रही है रोड की, इस आउटर लाइन को हम कैसे बनाएंगे, ये भी रेडियस पे, बिल्कुल सीधा नहीं है, ये भी रेडियस पे है, इसका रेडियस हम कैसे बनाएंगे, वही अंदर जा करके या ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या ऊपर क्लिक करेंगे स्टार्ट पॉइंट, इसके बाद एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ भी एंड पॉइंट है हमारा, एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक किया। अब इसके बाद क्या है, ये हमको रेडियस देना है 100.41.400। एंटर मारेंगे तो ये लाइन भी हमारी करेक्ट बन गई। देखो इसको भी हम ऐसे मैच कर देंगे, लेकिन एक बार आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ, जो लाइन हमारी बनी है उसको ऊपर हम कॉपी करके देखेंगे। सी ओ एंटर करने के तुरंत बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी पॉइंट के ऊपर इधर क्लिक करेंगे। अब हम चेक करते हैं, देखो ये लाइन थोड़ा भी बाहर नहीं, ये पूरी ऊपर आ गई है इसके, यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद इसकी भी हम मैच प्रॉपर्टी करते हैं, मैच प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक किया। अब ये पूछता है कि कौन सी लाइन को कौन सी से मैच करना है, तो कमांड हमारी मैच प्रॉपर्टी की क्लिक कर चुके हैं। अब इस लाइन को इससे मैच करना है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये सेम टू सेम ऐसी बन जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखो सीटी ईओपी सेम लेयर में ये भी हमारा बन चुका है। अब ये जो हमने रेडियस इसका बनाया है, ये इसको हम चेक करेंगे कैसे पता चलेगा 77.500। अब इसके अंदर हम जाएंगे, सब डायमेंशन इधर होता है, तो इसके अंदर हमारे पास रेडियस है, रेडियस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये लाइन हम बनाए थे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद चेक करते हैं 77.500 करेक्ट आ गया। इसके बाद बाहर से भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अंदर जाके दोबारा रेडियस पकड़ेंगे और ये लाइन हमने बनाई है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे 156.500 बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब इस लाइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, इस लाइन के ऊपर क्लिक करने के साथ साथ ही अब हम चेक करेंगे इसका रेडियस कितना आया है, इसके ऊपर ही आस पास ले जाकर हम चेक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आया है। इसके बाद इधर का भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया और ये चेक किया 147.500। दोस्तों इस तरह से हम किसी भी एंगल को बना सकते हैं, लूप हो, रैंप हो, कुछ भी हो हमारा हमारे पास, तो इस तरह से हम इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस तरह हमारे ये आर्क बनते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी। वैसे मेरे यहाँ साउंड बहुत ज़्यादा है, रोड बाहर से चलता है, कुछ ना कुछ ट्रैफिक चलता ही रहता है। अगर ये आपको समझ में आई तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो मैं उसके लिए भी बनाता रहूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। ओके दोस्तों, अब लेते हैं आपसे